हेलो दोस्तों, वेलकम टू लिखो स्टेनो एकेडमी। दोस्तों, डेली डिक्टेशंस के लिए और आपके डाउट्स के सॉल्यूशंस के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको चैनल से जुड़ी सभी अपडेट्स रेगुलरली सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, जैसा कि मैं हिंदी शॉर्ट हैंड की दो डिक्टेशंस प्रीवियस ईयर की पहले प्रोवाइड कर चुका हूं और आप लोगों ने कहा कि और मुझे डिक्टेशंस प्रोवाइड करनी चाहिए, आपको ठीक लग रही हैं, सो मैं आज आपको एक और मैटर प्रोवाइड कर रहा हूं। ग्रेड डी का ये मैटर है और 800 वर्ड्स की डिक्टेशन है। आपको 80 वर्ड पर मिनट पर मैं इसकी डिक्टेशन प्रोवाइड करूँगा, सो आपको डिक्टेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ, बी रेडी फॉर इट। श्रीमान जी, निर्यात व्यापार में वृद्धि करना भारत के लिए बड़ी तात्कालिकता बन गई है। पिछले कुछ वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था को खोलने और निर्यात प्रतिबंध कम किए जाने के बाद से हमारा विदेश व्यापार का घाटा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। यदि घाटा कम नहीं हुआ और विदेशी भुगतान की कठिनाइयां इस प्रकार बढ़ती रहीं तो सरकार को आयात पर किसी न किसी प्रकार के अंकुश पुनः लगाने पड़ सकते हैं। अतः यह आशंका निराधार नहीं है कि यदि विदेश व्यापार का संतुलन शीघ्र ही नहीं सुधारा तो उद्योगों को कच्चा माल भरपूर मात्रा में आयात करने में कठिनाई आ सकती है। सरकार का अभी यह सोचना ठीक है कि आयात पर अंकुश लगाने के बजाय निर्यात बढ़ाकर विदेश व्यापार के असंतुलन को कम किया जाए। भारत सरकार ने गत दिनों निर्यात वृद्धि के लिए कुछ बड़ी रियायतें दी हैं। पहली यह है कि निर्यात उद्योगों को कच्चा माल अंतर्राष्ट्रीय भावों पर उपलब्ध कराया जाएगा। ये सुविधा एक तरह से अभूतपूर्व ही है। सरकार निर्यात माल पर उत्पादन शुल्क तथा अन्य स्थानीय शुल्क भी माफ कर देगी। उद्योग संचालकों को सबसे बड़ी रियायत यह दी जा रही है कि उन्हें अपने कुल निर्यात मूल्य का 5 से 10% धन को विदेशों में निर्यात प्रोत्साहन कार्यों पर खर्च करने की अनुमति होगी। इन कई सुविधाओं को कम नहीं माना जाना चाहिए। पहले से प्राप्त सहूलियतों को मिलकर निर्यात प्रोत्साहन पैकेज अब काफी बड़ा हो गया है। उद्योगों को नया पूंजीगत माल तथा मशीन संयंत्र, फालतू कल पुर्जे तथा नवीनतम टेक्नोलॉजी के आयात की छूट पहले ही मिली हुई है। लेकिन निर्यात में वृद्धि के लक्ष्य किसी भी वर्ष पूरे नहीं हो पाते। जैसा कि पिछले दिनों प्रधानमंत्री ने कहा था कि भारत के संगठित क्षेत्र के बड़े उद्योग निर्यात के संबंध में अपना दायित्व नहीं निभा रहे हैं। छोटे उद्योग, जिन्हें अपेक्षाकृत कम सहूलियतें दी गई हैं, वे निर्यात बढ़ाने में आगे हैं। अब कृषि क्षेत्र में भी निर्यात करने लगे हैं। भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय ने सार्वजनिक उद्योगों पर भी दबाव डालना शुरू किया है कि वे भी निर्यात वृद्धि में सहयोग दें। श्रीमान जी, यह
संतोष की बात है कि अब वे भी इस बारे में गंभीरता से विचार कर रहे हैं। उनमें से कुछ ने अपनी 3 वर्षीय निर्यात योजनाएं सरकार को पेश कर दी हैं और शेष करने वाले हैं। निर्यात बढ़ाने के गंभीर प्रयास नहीं किए गए तो हम मुसीबत में फंस सकते हैं, क्योंकि 1985-86 में विदेश व्यापार घाटा पहली बार 85,000 करोड़ रुपए को पार कर गया है। जब तक यह घाटा बना हुआ है तब तक हम अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ नहीं मान सकते। यह ठीक है कि घाटा मुख्यतः खनिज तेल, खाद्य तथा ऐसी ही कुछ अन्य चीज़ों के भारी आयात के कारण है, लेकिन यह भी सत्य है कि पेट्रोलियम तथा अन्य कच्चे माल के कुछ बड़े आयातक देश भी दुर्लभ मुद्राओं के विशाल कोष बनाकर बैठे हैं। यदि हम सच्चे दिल से प्रयास करें तो शीघ्र ही अपने विदेशी व्यापार का संतुलन अपने पक्ष में कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने न्यूजीलैंड में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए हमारे निर्यात व्यापार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें कही हैं। निर्यातकों को माल की किस्म सुधारने की जो सलाह उन्होंने दी है वह न केवल उचित है बल्कि सम्यक भी है। बड़े अफसोस की बात है कि सरकार द्वारा दी गई अनेक सुविधाओं के बावजूद भी सुधार की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। घटिया माल विदेशी बाजारों की प्रतियोगिता में ठहर नहीं पाता है। इससे न केवल हमारे देश की साख को नुकसान पहुंचता है बल्कि निर्यात कम होने के कारण आर्थिक हानि भी होती है। निर्यात आशातीत नहीं होने के कारण देश के सामने आज जबरदस्त आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। सरकार इस बात से चिंतित है, यदि विदेश व्यापार की मौजूदा स्थिति जारी रही तो घाटे की रकम काफ़ी बढ़ सकती है। अगर इस घाटे को रोकने की कोशिश नहीं की गई तो हमारी अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी, विकास की गति मंद पड़ जाएगी। सरकार ने पिछले वर्षों में निर्यात वृद्धि के लिए उद्योगों को भांति भांति कई सहूलियतें दी हैं। असल में अनेक प्रकार के माल को उन्मूलन आयात वस्तुओं की सूची में शामिल करना भी भारतीय उद्योगों को भारी छूट है, लेकिन भारतीय उद्योगों ने निर्यात बढ़ाकर दुर्लभ मुद्रा कमाने की अधिक चिंता नहीं की है। वे अपना माल न तो अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुसार बनाते हैं और न उत्पादन लागत कम करने का दिल से प्रयास कर रहे हैं। उनकी कोशिश यह है कि
विदेशों से कच्चा माल आयात करके उत्पादित माल को अच्छे मुनाफे पर देश में ही बेच दिया जाए। उनकी लगातार यह मांग रहती है कि उत्पादन शुल्क की दरें कम की जाएं। देखा जाए, असलियत यह है कि भारतीय उद्योगों की निर्यात वृद्धि में कोई दिलचस्पी ही नहीं है। सो दोस्तों, इसी के साथ ही डिक्टेशन फिनिश होती है। 80 वर्ड पर मिनट की ये डिक्टेशन थी और दो तीन वर्ड ऐसे थे जो मुझे बोलने में थोड़ी दिक्कत हुई, क्योंकि मैं हिंदी स्टेनोग्राफी से नहीं हूँ, तो मैं आपसे पहले इस चीज़ के लिए क्षमा मांगता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इसे अच्छे से ही लिखा होगा। आपकी मिस्टेक्स कितनी आई हैं आप मुझे मिस्टेक सेक्शन में मुझे बताइए और मैं कोशिश करूँगा कि और डिक्टेशन आपको प्रोवाइड कर सकूँ। आपसे मुलाकात करता हूँ अगली क्लास में अगले ट्रांसक्रिप्शन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।